स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हाय एवरीवन दिस इज वानिका आज का टॉपिक है हमारा वर्चुअल्स uh, पे यहाँ पे दस कैप्टिव ब्रेड यानी खुद डोमेस्टिकेट आप कह सकते हैं डोमेस्टिकेट इज अ डिफरेंट थिंग कैप्टिव यानी ह्यूमन uh, इंटरवेंशन से ह्यूमन मैनेजमेंट से जिनकी ब्रीडिंग कराई गई हो उनको कैप्टिविटी में रखा हो ग्रो किया हो उन वर्ल्चर्स को ऐट अ सर्टन एज उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया हो वाइल्ड में तो ये चीज़ अभी रिसेंटली बंगाल में हुई है जहाँ पे दस कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स जो हैं क्रिटिकली इंडेंज स्पीशीज़ इनकी उनको रिलीज़ किया गया, गया बंगाल में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टू क्या दू विक मे का ह्यूज डिफ्रेंस चाहे सोशल मीडिया पे कहीं भी बट आई विल टेलीग्राम इज़ बेटर वे टू कनेक्ट वहाँ पे आपको पी भी मिल जाएगा आप कनेक्ट भी कर सकते हैं और साथ में मैं आपको बता दूँ इवनिंग फाउंडेशन बैच लाइव हमारा शुरू हो रहा है स्टडी आई क्यू का यू पी एस सी आई एस प्री प्लस मेन्स की प्रिपरेशन के लिए पहले भी हमारे बैचेस चले फुल हो गए थे एंड देन बहुत सारे स्टूडेंट्स वह सेइंग कि वो एडमिशन नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीज़न तो इसलिए इवनिंग बैच जो है वो शुरू किया गया है फर्स्ट ऑगस्ट से आपकी क्लासेस यहाँ पे शुरू हो जाएंगी डेली बैच सिक्स पी एम पे शुरू होगा उसके लिए आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं इनकेस आप एनरोल करना चाहते हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको एंडरोल करना चाहिए अगर आप अपना जो फाउंडेशन है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप वीरो कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू गेट अमेजिंग डिस्काउंट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ वल्चर्स अब देखिए वल्चर्स जो हैं ऑलरेडी भी इस पे सवाल आते हैं क्योंकि हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय में 99% परसेंट से ज़्यादा इनका जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखा गया कि एकदम इनका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई कि क्या क्या रीज़न्स हैं कुछ कुछ दवाइयाँ पता चली जिससे इनका पॉपुलेशन कम हुआ उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स जाती हैं हाई टेंशन वायर्स उनसे इनकी डेथ होती है बाकी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन लैंड डिग्रेडेशन पोचिंग या हंटिंग इससे भी लेकिन उन वो हंटिंग एंड पोचिंग इस केस में कम है बट और बहुत से रीजंस हैं वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होने के जो हमने डिस्कस किए हैं पहले भी इस इसमें बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एंड वल्चर्स इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वल्चर्स को लेकर वो शुरू होते हैं कि अलग अलग जगह इंडिया में इस तरह की फैसिलिटीज़ खोली जाती हैं जहाँ इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है इनको एक सर्टन एज तक ग्रो कराया जाता है और फिर रिलीज़ किया जाता है वाइल्ड में तो अब यही चीज़ रिसेंटली हुई है अब देखिए इंडिया मार्क्ड लैंडमार्क मूवमेंट फॉर वल्चर कंजर्वेशन तो वल्चर कंजर्वेशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अब सेकंड फेस है इसका रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ पे कौन सी स्पीशीज की बात हो रही है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर ये है आपका राजा भतखावा नियर बक्सा टाइगर रिजर्व अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल में तो ये पूरा इसका बता रखा है इसका लोकेशन कि कहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग हुई और कहाँ से इसको बंगाल में रिलीज़ किया गया तो नंबर क्या है टेन टेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक वर्ल्चर्स जो हैं इनको रिलीज किया गया और टेन uh, वर्ल्चर्स जो हैं वो उनकी अगर आप देखें एज देखेंगे ओवर टू इयर्स ओल्ड टू इयर्स ओल्ड यानी दो साल तक इनकी जब से ब्रीडिंग कराई गई और उसके बाद जब ये वल्चर्स आई हैं इस दुनिया में उसके बाद इनको वहाँ पे ग्रो कराया गया इनका ध्यान रखा गया क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है फिर से बराबर हो ठीक हो अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं आयु जिस तरह से बताता है उन्होंने इसको स्टेटस दे रखा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का आई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसे मैंने आपको बताया 99 परसेंट बताया बट टू बी एग्जैक्ट इट इज 99.9 परसेंट तो आप देख सकते हैं दर इज ह्यूज डिक्लाइन कि वाइल्ड में वल्चर्स जो हैं एकदम डिक्लाइन हो गई ये जो बर्ड्स हैं वो डिप्लॉयड विथ सेटेलाइट टैग्स इनमें सेटेलाइट टैग्स इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लगाए गए कि इनका प्लेटफॉर्म ट्रांसमीटर टर्मिनल और ये जो टैग्स हैं इनको हम प्लेटफॉर्म ट्रांसमीटर टर्मिनल भी बोलते हैं ताकि इनका लोकेशन मोशन हम देख सकें कहाँ जा रही हैं या किस तरह से इनको नुकसान हो रहा है और इन पीटीटी की मदद से बर्ड जो हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा तो ये जो टैग्स हैं साइंटिफिक टैग्स ये किस पे लगाए गए हैं ये जो कैप्टिव ब्रेड आपके वल्चर्स हैं इन पर लगाए गए हैं क्योंकि ऑलरेडी देखिए इनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है अब हमारा इनका कंजर्वेशन का प्लान है कि हम इनकी पॉपुलेशन को फिर से इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि इनका ये इनको मॉनिटर करना क्योंकि एक तो इतनी मेहनत कर रहे हैं जो जितने भी इन्वामेंटलिस्ट हैं कंजर्वेशनिस्ट हैं तो इनको मॉनिटर करना कि जब हम इनको वाइल्ड में रिलीज़ कर रहे हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं देखिए वाइल्ड में रिलीज़ करना भी इतना इजी नहीं है अगर आप एक लायन की एग्जांपल लीजिए तो आपने बहुत बार इस तरह के पिक्चर्स देखे होंगे कि लायन जो है वो शिकार नहीं कर पा रहा तो उसके क्या रीज़न है जब हम किसी एनिमल को वाइल्ड एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं ये डोमेस्टिकेट से ज़्यादा वर्ड है कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं कैप्टिव पकड़ के उसको कहीं पे किसी चारदीवारी के अंदर ग्रो करवाते हैं ऑल दो तो हम उसको वाइल्ड जैसा पूरा सिस्टम देने की कोशिश करते हैं लेकिन इट इज़ वेरी डिफरेंट कि जब वो वाइल्ड में जाएगा क्या वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा राइट कैप्टिव ब्रीडिंग इज़ वेरी डिफरेंट कि किस तरीके से ये वाइल्ड स्पीशीज वाइल्ड में ग्रो करते हैं तो इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए सेटेलाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं अब इन एफर्ट्स की ज़रूरत है क्योंकि वल्चर्स को इको का डॉक्टर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर रोल जिस तरह का इनका रोल है उसकी वजह से इनको इको डॉक्टर्स कहा जाता है इनकी पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज हो गई क्योंकि डेफिनेटली ये डेड ऑर्गेनिजम्स जो है या एनिमल्स की जो डेड बॉडीज हैं उन पर फीड करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं और ये जो एफर्ट्स हैं इनकी एक्सटिंक्ट कि ये वल्चर्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट ही ना हो जाए बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए उसको रोकने के लिए ये एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं अब इनके नंबर्स में चेंज देखिए जो एस्टिमेट्स हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बी के इंडिया में नाइनटीन में फोर्टी मिलियन पॉपुलेशन थी ह्यूज पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की लेकिन ये नंबर नाइन्टी नाइन में नाइनटीन की बात है कि ये जो नंबर है फोर्टी मिलियन का नाइन्टी नाइन परसेंट गिर गया एकदम से कम हो गया और इसकी वजह सबसे बड़ा था एक ड्रग दैट इज़ डाइक्लोफिनाक इस पर हमने अलग से एक केस स्टडी भी की है वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में डिस्कशन की है तो डाइक्लोफिनाक की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो गई कैसे कि जो आपके Uh, जैसे काउज होती हैं या जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स शीप हो गया जो फार्मर्स uh, घर पे रखते हैं वो जब बीमार होते हैं तो वेटनरी डॉक्टर्स उनको पेन किलर्स देते हैं जिस तरह से डाइक्लोफेनाक हो गया एक्लोफेनाक हो गया अब ये जो दवाई है ये जो ड्रग है ये वल्चर्स के लिए बहुत हानिकारक है जब इस तरह का कोई एनिमल जिसने ये ड्रग लिया हो काओ बफलो कोई भी वो मर जाती है तो ये वल्चर्स उसकी डेड बॉडी पे फिट करेंगे बिकॉज इनका यही काम है ऐसे ही अपना खाना पूरा करते हैं तो ये ड्रग अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इनके अंदर जाएगा और एकदम से ये वल्चर की डेथ हो जाएगी तो इस तरीके से ये चीज केस स्टडी में देखी गई क्योंकि कैटल को ट्रीट करने के लिए ये वेटनरी मेडिसिन यूज की जाती थी फिर इंडिया ने 2006 में इसको बैन कर दिया इस ड्रग को कि इसको कैटल को ट्रीट करने के लिए यूज नहीं किया जाए तो दिस वॉज अ मेन रीजन और जैसे मैं बाकी आपको बता रही थी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कि जिस तरह से पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं हाई टेंशन वायर्स हैं इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं हाईवेज बन रहे हैं तो इनकी हबिटेट्स जो हैं वल्चर्स के वो डिस्ट्रॉय हो गए इसलिए भी इनकी पॉपुलेशन गिर गई और ब्रीडिंग रेट भी अगर

काफ़ी कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ चला रहा है थ्री क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए पिंजौर हरियाणा में वेस्ट बंगाल में असम में वन विहार uh, मध्य प्रदेश में ठीक है तो हरियाणा वेस्ट बंगाल असम मध्य प्रदेश इस तरह से और यहाँ पे तीन स्पीशीज़ हैं ओरिएंटल वाइट वक्ट वल्चर्स लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स स्लेंडर बिल्ड बिल्ड वल्चर्स ये तीन स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग फैसिलिटीज में जिनको लेकर कंजर्वेशन एफर्ट्स आपके चल रहे हैं तो इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सक्सेसफुली इनको कैप्टिविटी में उन्होंने ब्रीडिंग करवाई और एक्सपेरिमेंटल रिलीज क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिलीज़ ही है कि क्या ये वल्चर्स जिनको हमने कैप्टिविटी uh, में बड़ा किया है क्या ये वाइल्ड में जाके कर सर्वाइव कर पाएंगे वापस वाइल्ड स्पीशीज़ बन पाएंगे तो इसलिए इनको ये सैटेलाइट टैग्स भी दिए जा रहे हैं अब जैसे राज बदखवा सेंटर है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कैप्टिव वल्चर्स जो हैं वो रिलीज़ किए जा रहे हैं वाइल्ड में ग्रो करने के बाद अब वाइट बैक्ट वल्चर देखिए जिप्स बेंगोल्सिस अलग अलग ऑलमोस्ट नाइन स्पीशीज़ हैं इसके वल्चर्स के जो इंडिया में पाई जाती हैं जैसे वाइट बैक्ड वल्चर हो गया इंडियन वाइड बैक्ट वल्चर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है इसको ओल्ड वर्ल्ड वल्चर भी कहा जाता है उसके बाद आपकी जिप्स बेंगोलेंसिस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इन देशों में ये पाई जाती है इससे पहले सदर्न एशिया सदर्न चाइना और मलेशिया में भी थी लेकिन वहाँ पर उन रीजनस में लोकली ये एक्सटिंक्ट हो चुका है तो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो जाए जिन वल्चर्स की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स कि इनको बचाया जाए व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स मीडियम साइज़ डार्क वल्चर्स हैं और पेल ग्रे पैच के कलर की ये होती हैं इस तरह का पैच इनके ऊपर होता है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये क्योंकि देखिए वल्चर्स का क्या रोल है डॉक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम सिस्टम कहा जा रहा है अगर जिस तरह के एनिमल्स की डेड बॉडीज़ जंगल में वाइल्ड में पड़ी रहेंगी तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं तो ये उनको क्लीन करती है इन्वायरमेंट को इको को क्लीन रखने का काम करती है तो अगर इनका नंबर कम हो जाएगा जो डेड बॉडीज़ हैं कैरकसिज हैं ये इंक्रीज़ होंगी इंक्रीज़ होंगी तो जो वाइल्ड डॉग्स हैं या फेरल डॉग्स हैं वो इस पर फीड करना शुरू करेंगे तो इससे बहुत सारा जो रेबीज़ है या इन्फेक्शंस हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलना शुरू होगी तो वल्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इको सिस्टम स्पीशीज वल्चर्स की जो इंडिया में पाई जाती हैं और उनके कंजर्वेशन स्टेटस थोड़े से देख लेते हैं इंडियन वल्चर जब्स इंडिकस दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडियन वाइट राम वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये मैंने आपको बताया कि नाइन स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं इनमें से कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं कुछ एंडेंजर्ड हैं लीस्ट कंसर्न तीन हैं आपके ये बियर्डेड वर्ल्चर ग्रिफॉन वर्ल्चर हिमालयन वर्ल्चर दीज आर लीस्ट कंसर्न लेकिन बाकी आपके नियर थ्रेटन एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है चार आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिख रहे होंगे एक एंडेंजर्ड और एक नियर थ्रेटनड है अवल्चर अवेयरनेस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है कि इनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है कि किस तरीके से वल्चर्स को हमको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि इनकी एक ही ऐसी स्पीशीज़ हैं देखिए 99.9 परसेंट डिक्लाइन एकदम इनमें देखा गया कि नाइनटीन में 40 मिलियन थी और फिर एकदम नाइनटी 90, आते आते 99.9 परसेंट डिक्लाइन इनका हो गया अब यहाँ पे जैसे अभी ये वेस्ट बंगाल की बात की कि जो ये वल्चर का कंजर्वेशन सेंटर है नियर बक्सा टाइगर रिज़र्व तो बक्सा टाइगर रिज़र्व के बारे में देख लीजिए ये अलीपुर द्वार में है जो कि सब डिवीजन है जलपायगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल की 1983 में बक्सा टाइगर रिज़र्व को बनाया गया था फिफ्टीन टाइगर रिज़र्व ये था नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया जनवरी नाइन्टीन में मेन रिवर्स जो इस टाइगर रिज़र्व से जाते हैं संकोश रायदाग जयंती चूर्णिया तुरतुरी Uh, ये है पशकावा दीमा नौनानी तो ये रिवर्स यहाँ से जाते हैं सम फैक्ट्स अबाउट बक्सा टाइगर रिजर्व चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वल्चर्स अ वर्ल्चर्स सेफ जोन इज अ जोग्रफिकल एरिया ऑफ एटलीस्ट फाइव 500 किलोमीटर रेडियस व्हिच इज डेजिग्नेटेड एट एज नेचुरल हैबिटाट ऑफ वाइल्ड वर्ल्चर्स एंड इज मेड ऑफ made free of the presence of drug diclofenac in animal carcasses the first statement dusra statement vulture breeding and conservation centre had already been established at pinjore haryana rani guwati Baksa, वेस्ट बंगाल जूनागढ़ भोपाल हैदराबाद भुवनेश्वर तो आप इसे बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नन ऑफ द आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेलीग्राम पर इसका आंसर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसका आंसर जानने के लिए बाकी इन्वायरमेंट uh, सीरीज के लेक्चर स्टडी आई क्यू पी सी एस चैनल पर मैंने शुरू किया है प्ले लिस्ट भी टेलीग्राम में शेयर कर दी है डू वॉच देम ताकि आपका स्टेटिक भी वहां से स्ट्रॉन्ग होता रहे थैंक यू सो मच हेलो नेम इज माइनी खान मैं एक यू पी एस सी हूँ और मैंने स्टडी आई क्यू का यू पी एस सी लाइव कोर्स अवेल किया है यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं बहुत हेल्पफुल हैं आ, आपके डाउट तुरंत ही कोशिश किया जाता है क्लियर करने की हर स्टूडेंट्स को मेंटोर्स अलॉट किए जाते हैं मेरे मेंटोर का नाम है ओम त्रिवेदी सर ही इज़ रियली हेल्पफुल इन नेचर बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं इवन दो उनका वीक ऑफ होता है उसके बावजूद वो हमारी हेल्प करने में कहीं नहीं चूकते आई आई रियली वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन और ईच एंड एवरी टीम ऑफ स्टडी आई हु इज ऑन द स्क्रीन एंड बिहाइंड द स्क्रीन हु ऑल आर हेल्पिंग यूपीएससी एस्पेरेंट मीन्स हमें जो बहुत हेल्प है कर रहे हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ थैंक यू थैंक्स लॉट वन सेकेंड स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल